यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले का असर अब भारत में दिखाई देने लगा है। एक ओर जहां शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं कच्चे तेल का दाम भी आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे पड़ रहा है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी कीमतों में इजाफा होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा एक कॉमोडिटी और भी है जिसकी कीमतों में तेज़ी की बढ़ोतरी हो रही है, और वह कॉमोडिटी है पैलेडियम। दुनिया भर में पैलेडियम का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है और इसका इस्तेमाल पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों के एग्जॉस्ट, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, डेंटल ट्रीटमेंट और ज्वेलरी में होता है। पैलेडियम दरअसल एक चमकने वाली सफेद धातु है और ये रोडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम, रुथेनियम और इडीनियम के ग्रुप का ही एक हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि पैलेडियम को प्लैटिनम और निकल के एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकालते हैं। पैलेडियम को दुनिया की सबसे कीमती धातु में सबसे ऊपर पायदान पर रखा गया है। जानकारों का कहना है कि जब से दुनिया भर की सरकारी गाड़ियों में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर सख्ती दिखा रही है, तभी से इस तरह के मेटल की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। चूंकि पैलेडियम की सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर है, ऐसे में इसकी कीमत सोना और प्लैटिनम से भी ज़्यादा है। मौजूदा समय में पैलेडियम की कीमत 6,188 रुपये प्रति ग्राम है और इसके एक तोले यानी 10 ग्राम की कीमत 72,188 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।